साल पहले किसानों की जमीन की लड़ाई हम लड़े थे भट्टा परिसर में, और एक नया बिल हम लाए पार्लियामेंट में जिसने किसानों की जमीन की रक्षा की, और जब उनसे जमीन ली जाती है आज तो उनको मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मिलता है, सही पैसा मिलता है। मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने किसानों की बहुत बात की, कहा कि हम किसानों की रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान की सरकार किसानों की सरकार, किसानों की मदद करने की सरकार। मगर दुख की बात यह है कि जब से उनकी सरकार आई, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसान को भूल गए। अलग अलग प्रदेशों में मेरे दौरे पर, महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अलग अलग जगह में गया, पंजाब, और किसानों से मैंने बात की और उनसे उनकी समस्या के बारे में, उनके सामने जो कठिनाई है उसके बारे में उनसे पूछा। बैठा हो, सीधी सी बात, हिंदुस्तान का जो किसान है, अगर आप उसकी इकोनॉमिक्स में जाएं, अगर आप उससे पूछें कि भाई आप खेत में कैसे डालते कितने हो और निकलता कितना है, तो आपको सीधा बता देगा कि जितना पैसा मैं डालता हूं उतना पैसा खेत से निकलता ही नहीं। ये हिंदुस्तान की किसान की सरकार है। किसान आधा समय अपने खेत में लगाता है और बाकी समय या मजदूरी करता है या फिर शहर में जाने की सोचता है। पार्लियामेंट में मैंने एक सवाल पूछा, मोदी जी से पूछा, और मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल पूछा था कि किसान को जो रेट मिलता है, मान लो दाल के लिए जो उसको रेट मिलता है ज्यादा मिले ना, अरे समय धान उसमें और मार्केट रेट में इतना फर्क क्यों है? किसान 40 रुपए में देता है और मार्केट में 200 रुपए की दाल होती है, तो ये जो फर्क है ये किसानों के जेब में तो नहीं जा रहा है, और जो दाल खरीद रहा है उसकी जेब में भी नहीं जा रहा है, ये बिचौलियों के जेब में जा रहा है। ये सवाल मैंने मोदी जी से पूछा और मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप किसान की रक्षा कीजिए, क्योंकि किसान हिंदुस्तान को भोजन देता है, और रक्षा करने के तीन तरीके हैं और इन तीन तरीकों को आप अपनाइए। सबसे पहला तरीका कर्ज का, जब हमारी सरकार थी 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान का कर्ज माफ किया था, आपको याद है। आजकल क्या हो रहा है, पिछले साल हजारों करोड़ रुपए मोदी जी के सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। ठीक है, आप माफ करना चाहते हैं अमीर लोगों, बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें? और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसा ही मोदी जी यूपी के किसान का और हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करें। दूसरी बात आपने उठाई, बिजली का बिल ज्यादा मिला, 2 महीना के 200, बिजली का बिल, बिजली के बिल से किसान
को दर्द पहुंचता है। क्यों नहीं आप बिजली के बिल को आधा कर दें? और आखिरी बात, जब हमारी सरकार थी हम एमएसपी को बढ़ाते रहे, मजदूरों की मदद हमने मनरेगा के माध्यम से किया और किसान की मदद हमने कर्जा माफ करके और एमएसपी बढ़ा कर दिया। मोदी जी की सरकार ने एमएसपी को बढ़ाना बंद कर दिया। तो हमने ये यात्रा इसलिए शुरू की है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे हिंदुस्तान की सरकार पर थोड़ा दबाव डालें, किसान की जो समस्याएं हैं, किसान के सामने जो दुख है, किसान के दिल में जो घबराहट है, वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा होगी, ऐसी सभाएं होंगी, किसानों के साथ हम बातचीत करेंगे, उनका जो दुख है, उनका दर्द है, उसके बारे में हम उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे और मोदी जी को हम उनका दुख, उनका दर्द सुनवाएंगे। आप सब यहाँ आए